ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुलह विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सांसद शांता कुमार, भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर, मंत्री विपिन सिंह परमार, मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक रमेश धवाला, विधायक रवि दीवान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। देश में धर्म जाति को जन्म कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है और भाजपा ने कभी भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया गया है और ये बात भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में साफ दिखाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुलह विधानसभा क्षेत्र के सुलह में ओबीसी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सांसद शांता कुमार, भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर, मंत्री विपिन परमार, मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक रमेश धवाला, विधायक रवि धीमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। देश में धर्म जाति को जन्म कांग्रेस ने दिया है। भ्रष्टाचार की जननी भी कांग्रेस रही है। भाजपा ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। किशन कपूर ने कहा कि नरेंद्र मोदी में देश का पीएम बनने की क्षमता है। नोटबंदी हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ है, काले धन पर भी लगाम कसी गई है। और बनाम राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान ने अगर इस शुक्रवार को जन्म दिया तो कांग्रेस की सरकारों ने दिया। और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 100 दिन हुए, 100 दिन में ही 850 करोड़ का भ्रष्टाचार, 850 करोड़ का, और कह रहे हैं ये बदले की भावना से हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है। अरे पैसे तो आपके हैं, वो तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आपके घरों में निकले। मुझे एक बात आपसे करनी है कि अगर भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हमारी सरकार ने, हमारी जो पार्टी है उन्होंने एक संकल्प पत्र निकाला है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जहां पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती थी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लाया जाएगा। वहीं सांसद शांता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नेताओं का पुत्र मोह तो देखा, लेकिन हिमाचल के नेता के पुत्र मोह देश पहली बार देख रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं की ऐसी हरकतों से प्रदेश बदनाम हो रहा है। प्रदेश के जब बीजेपी की सरकार बन रही थी तो बेटे को लेकर सुखराम भाजपा के पास आए थे, अब फिर पौत्र को लेकर आए थे, लेकिन जब बीच में इनकार कर दिया तो सुखराम पौत्र को लेकर कांग्रेस के पास चले गए। शांता कुमार ने कहा कि बेईमानी की राजनीति के चलते चंद नेताओं ने इस देश और पूरा हिमाचल को बदनाम कर दिया है। लेकिन आज हिमाचल में एक बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नेताओं का पुत्र मोह तो देखा था, लेकिन हिमाचल के एक नेता का पौत्र मोह पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है। जब हमारी सरकार बन रही थी तो श्री सुखराम जी अपने बेटे को लेकर आए, इसे पार्टी में ले लो, पार्टी ने उनको पार्टी में ले लिया, सरकार बनी, चुकाए से मंत्री बना लो। जयराम ठाकुर जी ने अनिल शर्मा को मंत्री बना लिया। अब दोबारा फिर लोकसभा का चुनाव आया तो सुखराम जी अपने पोते को लेकर आ गए कि मेरे बेटे को तो बना दिया, अब मेरे पोते को भी टिकट देकर एमपी बना। जब ये खबर मैंने सुनी थी तो मैंने कहा था सुखराम जी के पोते का और कोई बेटा है कि नहीं है, वो उसके लिए भी टिकट मांगेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस में पहले जब टिकट लेने वालों की होड़ लगी थी, वहीं भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने पर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता टिकट ना लेने के लिए दिल्ली अपनी सिफारिश करने लगे।
कभी समय था जब शांता के पास लोकसभा और विधानसभा का दायित्व था, लेकिन शांता का मन डगमाया नहीं, ना ही परिवारवाद को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखराम इस बार उनके पास आए और पौत्र के लिए टिकट की मांग की, लेकिन बात को अनसुना कर दिया था। राजनीति में प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो सुबह हमारे पास होते हैं, शाम को कांग्रेस के पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 5 सालों में कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। संकल्प पत्र के अनुसार किसानों, मजदूरों, दुकानदारों का भी सरकार ख्याल रखेगी। और यहाँ कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में पैनल बना करके भेजे हुए थे, जैसे हमारे कैंडिडेट की घोषणा हुई वो पैनल वापिस मंगवाया, बोलता ये नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ऐसे मजबूत नेता यहाँ से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, जितना संभव है। और उसके बाद वो पैनल पकड़ 10 बार बदला या 20 बार बदला, 4 सीटें कुल और 4 किस्तों में टिकट कहलाना। शांता कुमार जी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, चुनावी राजनीति से इन्हें संन्यास लेने की बात कही, हंसते हंसते बात कही, पार्टी के नेतृत्व को दिल्ली में कहा, जिंदगी में बहुत सारे चुनाव लड़े, बहुत सारे चुनाव जीते, बहुत सारे चुनाव हारे, जीतने का भी मजा लिया, हारने का भी मजा लिया साथियों के साथ, अब मैं चुनाव लड़ाने का मजा लेना चाहता हूं। आज हमारे बीच में, यहां पर हमारे बीच में फिर से आप जो है पार्टी के लिए देश के लिए समाज के लिए ऐसी परिस्थिति में भी हमारे सामने इस गर्मी के मौसम में भी हम आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, ये बहुत कम होता है। आमतौर पर ये सारी परिस्थितियां देखने को आज नहीं मिल पाती, लेकिन आदरणीय शांता कुमार जी ने इस परिस्थिति को, मैं आपको कह सकता हूं, यहां बात आदरणीय शांता कुमार जी ने एक बात कही कि परिवार की राजनीति। हालांकि मैं इस बात के लिए मैं आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि परिवार की राजनीति को बहुत प्रोत्साहित नहीं करना, उन्होंने तय किया कि नहीं करना चाहिए। एक तरफ सुखराम जी, एक तरफ शांता कुमार जी, सच कह रहा हूं कोई तुलना ही नहीं। किस हद तक वो राजनीति में किस प्रकार से सारी बातों को वो सुखराम जी सोचते हैं, करते हैं, सिर्फ अपना, अपने के साथ अपना परिवार और इसके अलावा कुछ नहीं। इन सारी बातों का जवाब जब देना है, जब देंगे, वक्त आएगा तो देंगे।